और अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर ये मीटिंग की जा रही। रविंद्र और जानकारी के साथ हमारे साथ रविंद्र, और क्या जानकारी? देखिए, सीसीएस की बैठक चल रही है और जो हमें जानकारी मिल रही है और वहां पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया जा रहा है कि किस तरह से विदेश सचिव द्वारा किस तरह से काबुल में जो हालात है और वहाँ जो भारतीय है, 130 भारतीयों को आपने बताया भी कि किस तरह से भारत में लाया गया है और बचे हुए अगर वहाँ पर भारतीय हैं तो उनको लाने की जो कवायद है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। उस पर चर्चा हुई कि कैसे उनको लेकर आना है। इसके अलावा वहाँ पर जो भारत ने पिछले 5 साल में जो मिशन मोड में काम किया है उसके हालात के बारे में भी जानकारी दी गई कि अभी वहाँ पर स्थिति क्या है, क्योंकि तो आपने देखा कि उन सभी जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भारत कर रहा था वहाँ पर ITBP के जवान वहाँ मौजूद थे, इंजीनियर थे, उन सबको इवैक्यूएट किया गया है, उनको लाने की कोशिश भी की जा रही है जो बचे हुए हैं। लेकिन सबसे जरूरी यह बात है कि तालिबान ने वहाँ कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान का उस पर वरदहस्त है, चीन उसके साथ भागीदारी है। ऐसे में भारत के लिए आने वाले दिनों में सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी चिंता हो सकती है तालिबान का अफगानिस्तान पर कैद करना। और आपने देखा कंधार की उस तस्वीर को, किसी कोई भूला नहीं होगा, कोई भारतीय भूलेगा नहीं, जब प्लेन को हाईजेक किया गया था और चारों तरफ से आपने देखा कि जो हथियारों के साथ तालिबान ने उसे चारों तरफ से घेर कर रखा था। तो एक तरह से आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान पर सत्ता में है। ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा को लेकर भी और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्या भूमिका हो सकती है कि पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है उसको एक सुर में लाया जाए और अफगानिस्तान में जो मौजूदा हालात है उसको ठीक से टैकल किया जाए। इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं इस सीसीएस की बैठक में चर्चा हो रही है और सभी हालातों से प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। तो अफगानिस्तान में जिस तरह की स्थिति है उस पर चर्चा हो रही है, साथ ही अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को किस तरह से भारत वापस लाना है इस पर भी चर्चा हो रही है, जैसा कि रविंद्र ने बताया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।